सदीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत कोशिश से मिले हैं आप और पता लगा है कि आप इधर बैठे हुए थे, तो फिर इसलिए आपसे मुलाकात के लिए इधर आना पड़ा मुझे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है और एक दोस्त ने मुझे आपका बताया था कि आप जो हैं बहुत तजर्बाकार इंसान हैं, तो इसलिए आपसे एक मौजू पे डिस्कस करनी थी, तो इसलिए मैं आपको ढूंढ के इधर आया हूँ जी। तो मेरा ये इशू है कि मैं जो है पाकिस्तान से आया हूँ जी विज़िट वीज़े पे जी, और मैं चाहता हूँ कि इधर जर्मनी में अपने आप को सेटल कर लूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि विज़िट वीज़े की बेस पे मैं किस तरह यहाँ पर सेटल हो सकता हूँ? जी ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो बहुत कम लोगों के पास है, हाई क्वालिटी की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे उस कंपनी में रिसर्च करें या मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, उस कंपनी में अप्लाई करें, वो आपको अडॉप्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, वो फिर उन्हीं की तरफ से आपको जो है वर्क परमिट वगैरह जो है वीज़ा है, वो उनकी तरफ से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई हाई मतलब डिग्री नहीं है तो उसके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल है विज़िट वीज़े पे यहाँ पे सेटल होना या फिर टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे सेटल होना, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हो जाता है आदमी, लेकिन फिर जदोजहद काफ़ी करनी पड़ती है। और दूसरा उसका हल जो है वो ये है कि जिनके पास हाई डिग्री नहीं है, जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है, तो उनको फिर अजाइलम का सहारा लेना पड़ता है, वो यहाँ पे पॉलिटिक स्टे लेते हैं फिर। तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि मुझे किन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, अजाइलम की तरफ या मुझे स्टडी की तरफ? जी मैंने आपसे यही बात की है कि अगर तो आपके पास कोई हाई क्वालिटी की डिग्री है फिर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतनी हाई क्वालिटी की डिग्री नहीं है तो फिर आपको मजबूरन जो है वो आपको फिर सियासी पना जिसको कहा जाता है वो स्टेटस जो है वो लेना पड़ेगा, लॉयर करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बेस की पे जो डिग्री मेरे पास पाकिस्तान की है उसकी बेस पे मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी? जी अगर अच्छी डिग्री है तो बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। अच्छी डिग्री से क्या मतलब आपका, कौन सी डिग्री? ITT वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, इनका स्कोप ज़्यादा है यहाँ पर? जी जी, और मेडिकल लाइन में। ठीक हो गया। तो उसके लिए मुझे कोई वेरिफिकेशंस वगैरह भी करानी पड़ेंगे डिग्री को? पाकिस्तानी डिग्री की वेरिफिकेशन भी होती है यहाँ पर या जी चल जाता है सब? जी नहीं बिल्कुल, उसकी वेरिफिकेशन वो कराएंगे खुद ही। और सदीकी साहब, आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आपकी नज़र में कोई ऐसी और कंट्री है जहाँ पर बहुत जल्दी सेटल हो सकता है, किया जा सकता है अपने आप को, यानी वर्क परमिट के हवाले से बहुत जल्दी वहाँ पर सेटलमेंट हो सके यूरोप में? यूरोप में जी बिल्कुल, इस वक्त आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है चंडम का, और इस वीज़े पे आप पूरा यूरोप में जा सकते हैं, इस वक्त आपके पास चांसेस हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि सिर्फ ये पहले तो मैं पूछूंगा कि आपने स्टडी स्टॉप की है या क्या किया आपने स्टडी अपनी का? मैंने अपनी स्टडी जो है पाकिस्तान में फ्रीज़ कर चुका हूँ, फ्रीज़ करवा लिया है। मैं वहाँ पर मास्टर में था जी, और मास्टर कर रहा था, लेकिन जब मेरा जैसे ही मेरा यूरोप का वीज़ा लगा तो मैंने अपनी स्टडी फ्रीज़ करवा ली थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही यूरोप में सेटल हो जाऊँ अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। जी ठीक है। तो आपके लिए एक बेहतरीन एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ, उसको अपना लें, बेशक सुबह अपना लें। लिटविया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। लिटविया में आपके लिए बहुत अच्छे चांस है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, तमाम उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट जो स्टडी करना चाहते हैं जिस भी लेवल के ऊपर, चाहे वो इंडिया में हैं चाहे वो पाकिस्तान में हैं,
उनके लिए एक बेहतरीन चांस है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रियों की एवरीडे नई अपडेट आती रहती है। हर कंट्री जो है वो डेवलपिंग के चक्कर में ये अपनी नई अपडेट स्टूडेंट्स के लिए और बाकी वर्क वीज़े के लिए वो निकालते रहते हैं। तो आपके लिए इस वक्त बेहतरीन एक चांस है, जो इससे बेहतर मेरे ख्याल में मैं नहीं समझूंगा कोई और कंट्री हो, लिटविया। लिटविया एक ऐसी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, और वहाँ पे आप जाके एडमिशन ले लें स्टूडेंट बेस पे। जी, तो लिटविया आप जाएं, लिटविया जाके एडमिशन लें, बहुत आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी ब्रांच है। और मुझे की एक बात और मैं बता दूं, तमाम यूरोपियन कंट्री से सबसे स्टडी के हवाले से सबसे सस्ती कंट्री जो है वो लिटविया है, और वो आपको रेजिडेंट परमिट भी देंगे और आपके वो स्टडी के लिए जो है वो जगह भी देंगे, हर चीज़ का आपका जो है वो बंदोबस्त करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लिटविया जाएं, बल्कि मैं दोबारा फिर वो बात करूंगा कि ये सिर्फ आपके लिए चांस नहीं है, जो ये बिल्कुल न्यू अपडेट है, कल की अपडेट है ये कि लिटविया ने ऐलान किया है स्टडी के हवाले से, जो कि आपको वीज़ा भी फ्री देगी वो, और आपके बाकी बेनिफिट जो हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट जो है लिटविया इस वक्त दे रहा है आपको, और वहाँ का आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, बेशक आप इंडिया में हैं, बेशक आप फिलिपाइन में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में। हाँ, इस वक्त इंडियन बहुत स्टूडेंट आ रहा है वहाँ पर, बेशुमार स्टूडेंट जो है ना लिटविया में आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप के लिए या बाकी लोगों के लिए स्टडी के लिए सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे सस्ती स्टडी जो है वो लिटविया में है।